श्योरपुर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां जिलाधीश संजय कुमार ने कहा कि अपना व्यापार शुद्धता के साथ करें, अधिक पैसे के लालच में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए व्यापार का संचालन कर अपनी साख बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जो लोग मिलावटी एवं नकली, उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की मदद करें तथा इसकी सूचना दें। जिलाधीश ने सभी डेयरी संचालकों के लिए निर्देश दिए कि जिस पशुपालक से भी दूध खरीदते हैं उसका हिसाब किताब रखें तथा रजिस्टर बनाकर आने वाली दूध की एंट्री प्रतिदिन जाए, सुबह शाम आने वाली दूध की जानकारी दी जाए। जिलाधीश ने कहा कि 25 नवंबर शनिवार को डेयरी संचालक अपने यहां सुबह से शाम तक आने वाले दूध की मात्रा का प्रदाय करने वाले पशुपालकों की जानकारी फूड ऑफिसर को उपलब्ध कराएंगे कि किस पशुपालक ने उन्हें कितना दूध दिया है। इस आधार पर प्रशासनिक अमले में पशुपालन की जांच कराई जाएगी और उसके पास कितना गौधन है उसके द्वारा प्रदाय किया जा रहे दूध का आकलन भी किया जाएगा। पशुपालन के पास कितनी भैंस और कितनी गाय है, उसका दूध उत्पादन औसत कितना है और उसके द्वारा कितने दूध की आपूर्ति की जा रही है, यह पशुपालन किसी अन्य पशुपालन का दूध भी ले रहा है तो उसका भी नाम दर्ज किया जाएगा। इसके बाद अंतर पर आने वाली बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी जिले के सभी डेयरी संचालकों से प्राप्त करने के लिए निर्देश में फूड ऑफिसर धर्मेंद्र जैन को दिए गए, ताकि जिले भर में दुग्ध उत्पादन की स्थिति का आकलन किया जा सके। इसके साथ ही जिले के बाहरी दूध की सप्लाई करने वालों के टैंकरों के माध्यम से बाहर से दूध ले जाने वालों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टेटिक दूध का व्यापार करने वाले लोगों का रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।